बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिमिलिया होम्यो क्लिनिक से अहमदाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे बोन्स के बारे में। फीमेल का बहुत बड़ा मसला है, मेल का भी है, और चूँकि लोग ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लंबी देर टीवी, और डाइट इतनी अच्छी होती नहीं है। और फिर आप अगर दूध की बात करें तो दूध जो है वो केमिकल मिला हुआ है, तो बजाय इसके कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और दूसरा ये कि आप केमिकल जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 500 बीमारियाँ और हो जाती हैं। जब ज़्यादा दूध यूरिया या सर्फ से बना होगा तो फिर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि हमारी लाइफ जो है, स्ट्रेस, रातों को देर तक जागना, ये सारी चीज़ें मिल के हमारी पूरी जिस्म जो है उसमें तोड़ फोड़ जो है होती रहती है। लेकिन जब हम अपने टाइम पर बराबर सोते नहीं हैं, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें मिल के हमारी लाइफ जो है उसके लिए मसाइल पैदा करती हैं। और हड्डियाँ जो है वो ज़ाहिर है हमारा जिस्म जो है उसके अंदर जो एक पिलर के तौर पे जो चीज़ें काम करती हैं वो हड्डियाँ ही हैं, जिसकी वजह से हमारा कद, हमारा खड़ा होना, हमारा बॉडी का जो ढांचा है उसको हड्डियाँ जो है वो मजबूत करती हैं। अब हम आज 15 पॉइंट में आपके सामने रखूँगा कि हड्डियों के जो मसाइल होते हैं वो किस तरह के अगर हों तो होम्योपैथिक की कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो किस तरह जो है उसको एड्रेस करेंगी। अब अगर हड्डियों पे घूमड़ बन रहे हैं, यानी हड्डियों के ऊपर फालतू हड्डियाँ बन रही हैं या ट्यूमर्स बन रहे हैं, तो कलकेरिया फ्लोर होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो 30 में इस्तेमाल करें, आपको इन्जॉय कराएगी, बजाय इसके कि आप ऑपरेशन और इस तरह के मामलों के चक्रों में पड़ें। तो आप होम्योपैथी को फर्स्ट आप ज़रूर ट्राई करें। सेकेंडली, अगर हड्डियों से बदबूदार अखराज हो रहे हैं या ज़ख़म जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और दुखन हो रही है और उससे पीप आ रही है, तो ऐसा फोटेडा होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो 30 में ज़रूर इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 3 जो है कि हड्डियों की बसीदगी है, हड्डियाँ जो हैं वो पिंडली, रान और जो बाजू की लंबी हड्डियाँ हैं उनमें इश्यूज़ हैं और वो गल सड़ रही हैं और ऑस्टियोपोरोसिस है उनमें, तो अंगस च्यूरा होम्योपैथी की मेडिसिन 30 में। हड्डियाँ जो है वो जुड़ नहीं रही, हड्डियाँ को फ्रैक्चर हो गया या हड्डियों में कोई किसी वजह से कोई मसला आ गया और वो जल्दी से ठीक नहीं हो रही, तो होम्योपैथिक मेडिसिन सम्फाइटम जो है मदर टेंचर में इस्तेमाल करें। और ये कार्टिलेज पर कमाल का असर रखती है और इसको शटिका में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया मैंने। पॉइंट नंबर 5, हड्डियाँ टूट जाने से या मोच आने की वजह से जो है अगर नींद नहीं आ रही है, आप बहुत परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो स्टक्टा पल्मोनेरिया 30 में। पॉइंट नंबर 6, जो हड्डी टूट गई है और इमदादी दुआ के तौर पे क्लिकेरिया फास्ट जो है, कैल्शियम फास्ट जो है वो कमाल का असर रखती है और आपकी हड्डी को जल्दी ठीक करेगी। इवन देखें, होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो आपको सपोर्ट करता है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो साथ होम्योपैथिक ऐड कर दें तो आपकी शफा का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा। हो सकते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं चूँकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, एक मखसूस तरीका इलाज जो है वो अगर आपकी हेल्प करते हैं तो आप ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी ऐड करेंगे तो आपके मरीज़ की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ मकसद जो है वो लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है, वो कोई भी तरीकाकार हो सकता है। उसके बाद अगर हड्डियों में बर्फानी ठंडक है, यानी आपको लगे हड्डियाँ बिल्कुल ठंडी है, होम्योपैथिक मेडिसिन अरिनिया डेडीमिया 30 में। पॉइंट नंबर 8, हड्डी का ज़ख्म जो है हड्डी को खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है और रात को जो है वो तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि एसाफोटेडा जो है वो एंटीसिफिलेटिक भी है, तो एसाफोटेडा आप इस्तेमाल करें। हड्डी जो है बिल्कुल नर्म हो गई है, एसिड फॉस 30 में या मदर टेंचर में इस्तेमाल करें। अच्छा, पॉइंट नंबर 10, हड्डियों की ज़ख्म जो है बसीदगी है, उसमें चेहरे की जो हड्डियाँ हैं उसमें दर्द है, जो पैलेट है, तालू है उसकी हड्डियाँ, नाक और उसमें से बदबूदार अखराजात आ रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ऑरम मेटालिकम 30 में इस्तेमाल करें, कमाल है। हड्डियों का सिरा ख़राब हो रहा है, बसीदो हो रहा है, हड्डियों की जो सिरे हैं वो कल्चिकम 30, हैरान हो जाएंगे आप। पॉइंट नंबर 12, हड्डियों की लागरी है, कमज़ोरी है, तो काली कार्ब 30 में इस्तेमाल करें। हड्डियों में रात के वक्त दर्द होता है तो मर्कसाल इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 14, हड्डियाँ बढ़ जाएँ, खोपड़ी की हड्डियाँ, तो ऑरम मेटालिकम वारे में इस्तेमाल करें। हड्डियों के टुकड़े हो जाएँ, जैसे वो जब इंसान की हड्डियाँ ख़राब होती हैं तो आस्ते आस्ते वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है। सिलिशिया एज़ द मेडिसिन 200 में इस्तेमाल करें, किसी भी मेडिसिन के साथ। हड्डियों की टीबी हो गई है, ये 16 पॉइंट है, ड्रोसरा इस्तेमाल करें। मैंने इस तरह भी देखे हैं कि हड्डियाँ जुड़ गई हैं, लॉक हो गई हैं। ये आपको मैं भी गिफ्ट देने वाला हूँ। मेरे एक दोस्त थे तो उनसे गपशप हो गई, तो उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब की जो जोड़ हैं वो लॉक हो गए हैं और वो उठ नहीं सकते, यानी हड्डियाँ जिस तरह हैं वो बस उधरी हैं, साकन एक आपस में लॉक हो गई हैं सारी, तो वो वजू भी नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो उनके लिए मेडिसिन मैंने बनाई थी।
कि राइट साइड के होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो कास्टिकम, अर्निका, ब्रायोनिया, इन तीनों को मिला दिया। लेफ्ट साइड के लिए लेडमपाल, लेक्सिस और अर्निका, इनको मिला दिए 200 में। उसके बाद कैल्केरिया फ्लोर और कैल्केरिया फास, इन दोनों को आपस में मिला दिए 3x में। एसिड फास 30 और काली कार्ब 30। आपको यकीन नहीं आएगा कि वही पेशेंट जो हड्डियाँ बिल्कुल सारी आपस में बिल्कुल ऐसी जकड़ी हुई थी, नमाज पढ़ने शुरू कर दी, और अभी बल्कि जिस चेयर पे मैं क्लिनिक में बैठता हूँ वो भी मोर देन 70,000-80,000 की, वो फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी और एक तोहफा है, उनका टोकन ऑफ लव है। लेकिन बात यह है कि होम्योपैथी कमाल का असर रखती है, सिर्फ यह कि इसको समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग होम्योपैथी को चूँकि समझते नहीं है, वो उन तक बात पहुँची नहीं होती, तो वो सारी ज़िंदगी एक तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं जो होम्योपैथी में हो सकता है कि थोड़े से इलाज के साथ ठीक हो जाए। तो हड्डियों की बात आ रही है और आप कहीं भी हैं और आप हड्डियों के अंदर आपके मसाइल हैं, तो मेडिसिन भी पोटेंसी में मैंने आपको बता दिए 30, उससे लो पोटेंसी जो है वो दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करें, 200 दिन में एक बार इस्तेमाल करें, 1M जो है वो 15 दिन बाद इस्तेमाल करें, CM जो है वो महीने के बाद इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ। होम्योपैथी में इसके अलावा भी बहुत सारे कमाल की मेडिसिन है जो कमाल का असर जो है वो रखती है हड्डियों के ऊपर, और उनका कमाल का काम है। तो आप जब जॉइंट की बात आती है तो फिर भी आप ये सारी मेडिसिन वहाँ पर भी काम करेंगे। हड्डियों की बात आती है, हड्डियों की खराबी की बात आती है, बुसीदगी की बात आती है, ऑस्टियोपोरोसिस की बात आती है, ऑस्टियोमलेशिया की बात आती है, तो आप ज़रूर कंसिडर करें। आप ये देखें कि इवन के अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए, बहुत मसाइल होते हैं, फिर भी होम्योपैथी कमाल का असर रखती है। आप इसको ट्राई करके देखें, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए। थैंक यू।